अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में चुनट्स वाली आस्तीन बनाने की बहुत ही आसान ट्रिक शेयर कर रही हूं। तो किस तरीके से हमने इस आस्तीन को रेडी करना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए, मैंने डोरी बनाई हुई है। डोरी बनाने का तरीका मैं पहले बता चुकी हूँ किस तरीके से हम कपड़े से बहुत ही आसानी के साथ डोरी बना सकते हैं। तो डोरी बना के मैंने यहाँ पे पहले ही रख ली है। डोरी बनाने की वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। अब सबसे पहले जब आपने आस्तीन की कटिंग करनी है, तो लंबाई में भी आपको एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखना होगा, क्योंकि इसमें चुनट्स डलेंगी। और चौड़ाई में भी आपने मार्जिन से तकरीबन 1.5 या 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल दरमियान से हमें कट लगाना है कपड़े पर, और यहाँ से हमने डोरी के लिए कपड़े को फोल्ड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आस्तीन को आगे से 1/2 इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगा ली है, और उसके बाद मैंने यहाँ से बिल्कुल दरमियान से आस्तीन का कपड़े को कट कर लिया। ठीक है, अब आपने जितना भी मार्जिन रखा है डोरी के लिए, ठीक है, उसके लिए आपने जितना भी मार्जिन रखा है 1.5 या 2 इंच का, उसको आपने इस तरीके से रखते हुए यहाँ से आपने पहले सिलाई को पक्का करना है। ये देखें, आपने इस तरीके से सिलाई को पक्का करके यहाँ पे आपने एक सीधी सिलाई लगानी है। ठीक है, यहाँ से जिस तरह हम नेफा बनाते हैं ना, बिल्कुल इसी तरीके से हमने डोरी के लिए नेफा बनाना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान ट्रिक है। इस ट्रिक से अगर आप चुनट्स वाली आस्तीन बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत बनेगी और बहुत ही जल्दी बनके तैयार होगी। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने सिलाई लगा ली है, सिलाई को मैंने पक्का कर दिया, और आपने ये आस्तीन की उलट साइड पर काम करना है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, इस तरीके से बिल्कुल दरमियान से हम करेंगे इसे, और सिलाई को बिठाते हुए दोनों साइड पर ये जो कपड़ा है, इस कपड़े को आपने फोल्ड करना है। उससे पहले हम यहाँ पर ये देखें, डोरी को इस तरीके से दरमियान से कट करेंगे, यहाँ पर हम डोरी को लगाएंगे, और दूसरी साइड पे भी इसी तरीके से डोरी को लगा लेंगे, और थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए हमने यहाँ पे इस तरीके से दोनों डोरियों को रख के सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई को हम इस तरीके से घुमा देंगे और यहाँ से इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करते जाएंगे, और इस पर हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो पहले एक साइड पर मैं इसी तरीके से सिलाई लगाती हूँ, फिर मैं दूसरी साइड पर सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई को आपने पक्का ज़रूर करना है। तो ये देखिए, एक साइड पे सिलाई लग गई है, एक्स्ट्रा धागे की मैं कटिंग कर दूंगी। अब बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड करके हम दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हम देखें, फैब्रिक लटकन बना के लगा देंगे डोरी के साथ। फैब्रिक लटकन बनाने का तरीका भी मैं पहले बता चुकी हूँ, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो डोरी पर मैंने इस तरीके से दोनों साइड पर लटकन लगा लिए हैं। अब इन्हें मैं पलटा दूंगी, तो ये देखिए, ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। मैं यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ आस्तीन पर। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। अगर आपको फुल स्लीव्स में ये डिज़ाइन बनाना है तो भी आपको एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेना होगा। हाफ में बनाना है तो भी आपको लंबाई में एक्स्ट्रा ही कपड़ा लेना होगा। तो यहाँ पर फिटिंग की सिलाई मैंने लगा ली है। अब आपने इस डोरी को पकड़ के इस तरीके से खींचना है। तो यहाँ पर ये देखें, इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी चुनट्स बन जाएंगी, और यहाँ पे आपकी चुनट्स वाली आस्तीन बनके तैयार हो गई है बहुत ही आसान तरीके के साथ। तो रेडी होने के बाद ये आस्तीन कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए कितनी खूबसूरत ये आस्तीन बन गई है, और बनाने का तरीका भी कितना ज़्यादा आसान था। तो ये प्रिंटेड कपड़ा है, इस पर अभी ठीक से नज़र नहीं आ रही, अभी मैं थोड़ी लाइट कम करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से दिखेगा। डोरी के साथ चुनट्स वाली आस्तीन बनाने का तरीका एक पहले भी मैं बता चुकी हूँ, वो वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। जो भी तरीका आप लोगों को सबसे ज़्यादा आसान लगे, उस तरीके से आप ये आस्तीन बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए और घर बैठे आसान तरीके से सिलाई सीखने के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर भी कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी चीज़ बताऊं बहुत ही डिटेल के साथ बताऊं, इसीलिए जो चीज़ मैं पहले बता चुकी होती हूं वही चीज़ मैं दोबारा से नहीं बताती हूं। डोरी बनाने का तरीका और लटकन बनाने का तरीका